look, in a cell, look. अगर तुमने कभी किसी को तुम्हारे आसपास कोई घर की कंस्ट्रक्शन हुई हो तो हो सकता है तुमने घर को बनते हुए देखा हो, ठीक है. अदरवाइज यू माइट हैव सीन योर ओन हाउसहोल्ड. तुम्हारे घर में सपोज एक कोई अर्न करता है तो कोई घर संभालता है, कोई मेड है जो सफाई करती है, तो कोई मेड है जो कपड़े धोती है, या कुछ ऐसा सिस्टम हमारे पास है. जैसे स्कूल है, स्कूल में प्रिंसिपल का काम अलग है और स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं उनका काम अलग है, और टीचर्स जो है उसका काम अलग है, और क्लास टीचर का काम अलग है. तो हर एक सिस्टम बी इट अ लिविंग सिस्टम और अ नॉन लिविंग सिस्टम लाइक अ कॉर्पोरेशन और एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक अ स्कूल, इट ऑलवेज नीड अ स्ट्रक्चर, इट ऑलवेज नीड्स अ डिविजन ऑफ पावर्स कि किसका क्या काम है, किसका क्या काम है. फॉर एग्जाम्पल इन अ प्रो साइंस we have reception, so receptionist is doing receptionist work, faculty is doing their work, and back end team जो होती है वो अपना काम करती है. इसी तरीके से एक cell में, एक body में, एक organ में, एक body के system में, living system में हर एक काम divided होता है, और ये जो काम divided होता है इसी काम को बोलते हैं division of labor. So what is division of labor? We are going to talk about it. Division of labor. And what is division of labor that we are more focused here? So, a point ye aata hai, division of labor hai kya? And how do we define division of labor? So, what do you mean by question for today? First question, you have to write question and answer. I'll make you write extra points as well, but you have to write, you have to make notes properly. Okay? Achha, question is, what do you mean by division of labor? What do you mean by division of labor? So the thing is, division of labor हर एक system में होता है. और अगर हम cell की बात कर रहे हैं तो हम cell की division of labor पे ज़्यादा work करेंगे. तो division of labor का मतलब होता है that different Yes. So, in any living system, there is division of functions among various constituents, among various constituents of that system. For example, we have different organ systems dividing different kinds of work among themselves. And for example, cell has different सेल ऑर्गेनेल. सेल के अंदर अपने कुछ पार्ट्स हैं जिनको हम बोलते हैं ऑर्गेनेल. जैसे हमारी बॉडी के ऑर्गन होते हैं वैसे सेल के ऑर्गेनेल होते हैं. सेल हैज डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. फॉर एग्जांपल हम डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल की बात कर रहे हैं तो पहला सेल ऑर्गेनेल की बात करते हैं. पहला सेल ऑर्गेनेल है हमारा राइबोसोम. तो राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम प्रोड्यूसेस प्रोटीन्स, इट मैन्युफैक्चर्स प्रोटीन इनसाइड अ सेल. व्हाट अबाउट अनदर, एक और मैं तुम्हें बताता हूं. एक और हमारा ऑर्गेनेल है
माइटोकॉन्ड्रिया सर इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल यस इट प्रोड्यूसेस एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन अलग है और राइबोसोम का फंक्शन अलग है दैट मींस इन दोनों के बीच में डिवीजन हो रखा है कि मुझे काम करना है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन का और तुम्हें काम करना है एनर्जी प्रोड्यूस करने का सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर यू टेल मी इज दिस क्लियर यस और नो एवरीवन यस सर क्लियर यस सर क्लियर ऑलराइट All right. So, यहाँ पे और लाइन पढ़ते हैं दो चार लाइंस और फर्स्ट इज सेइंग ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल परफॉर्म द स्पेशल फंक्शन यानी जो हर एक सेल ऑर्गेनेल है वो एक स्पेशल फंक्शन प्रोवाइड कर प्रोड्यूस करता है फॉर एग्जांपल इट मेक्स न्यू मटेरियल क्लियर अप बेस मटेरियल एंड सो ऑन अ सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स तो मतलब क्या है एवरी सेल is able to perform due to its cell organelles जो उसके अंदर उसका काम करते हैं तो सेल के अंदर सेल का काम कौन करता है सेल ऑर्गेनेल्स ठीक है अब पॉइंट आ रहा है ऑर्गेनेल्स मिलकर सेल कहलाते हैं ठीक है ना ये ऑर्गेनेल्स जो होते हैं अलग-अलग सेल ऑर्गेनेल्स को हम जोड़ देते हैं एंड दे कॉन्स्टिट्यूट अ सेल ठीक है अब हम सेल ऑर्गेनेल को एक-एक करके देखेंगे सबसे पहले तो हम एक स्ट्रक्चर ऑफ सेल देख रहे हैं वी आर लुकिंग एट स्ट्रक्चर ऑफ सेल व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल यू हैव टू ड्रॉ विद मी ओके सो अगर हम बात करें एक सेल की ठीक है दिस इज द लिविंग सेल एंड इनसाइड दिस सेल जो मेन पार्ट होता है एक कंट्रोल सेंटर होता है हमारे सेल का दैट इज द न्यूक्लियस न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल ऑलराइट सेल और न्यूक्लियस के बीच में जो मटेरियल होता है इट इज फिल्ड विद अ फ्लूइड एंड दिस फ्लूइड इज कॉल्ड आवर साइटोप्लाज्म ठीक है दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म ठीक है तो द थिंग इज आई कैन से सेल कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन थिंग्स It consists of a nucleus. एक nucleus होता है जो कि center में है हमारे cell के. You can see over here. दूसरी चीज होती है cytoplasm. और cytoplasm के अंदर there are different cell organelles. अभी हम cell organelles पे आएंगे. इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर ही कुछ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और तीसरी चीज है जो सेल के ऊपर होती है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन अ टिपिकल सेल कंसिस्ट ऑफ दीज थ्री थिंग्स सेल मेम्ब्रेन देयर आर थ्री थिंग्स इनसाइड अ सेल वन इज द न्यूक्लियस सेकंड इज द साइटोप्लाज्म एंड थर्ड इज द सेल मेम्ब्रेन ठीक है न्यूक्लियस is in the near about center of the cell usual cell plant cell mein wo site pe bhi hota hai cytoplasm fills the space inside the cell and the cell membrane covers the cell to cell membrane isko kya karti hai cover karti hai
आई कैन ऑल्सो लेबल इट, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन हो गया. Current cytoplasm is represented by dots. And यहाँ पर हमारा हो गया cytoplasm. Right? तो जो cytoplasm में dots होते हैं usually they are microfilaments. तो these make cytoplasm a jelly-like material. तो it doesn't matter if I represent it like this or dots. Is it okay? Problem? Yes, sir. All right. तो आर दीज थ्री थिंग्स क्लियर. अच्छा अब एक बार इनको फंक्शन समझ लेते हैं फिर मैं पूछूंगा क्लियर है कि नहीं. लुक, न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. साइटोप्लाज्म इज द जेली लाइक मटीरियल दैट फिल्स, या मैं बोलूं सेमी फ्लूइड मटीरियल दैट फिल्स द सेल. Any solid is better. Any solid material that fills the cell. And cell membrane is the outer covering of the cell. What about cell organelles? Cell organelles कहाँ पे हैं? तो cytoplasm के अंदर ही होते हैं. तो इफ वी टॉक अबाउट सेल ऑर्गेनेल्स, तो आई विल से सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही पाए जाते हैं. सेल ऑर्गेनेल्स आर फाउंड इनसाइड द साइटोप्लाज्म. इस साइटोप्लाज्म के अंदर हमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल देखने को मिलते हैं. तो एक टिपिकल सेल का ये सिंपल स्ट्रक्चर है. अभी कॉम्प्लेक्स में तो वी कैन गो एनीवेयर. कॉम्प्लेक्स में अभी हम आगे अंदर जाएंगे, बट ये सिंपल स्ट्रक्चर समझ में आया? यस और नो? दिवेश? यस सर. कैन यू प्लीज टेल हाउ टू लॉग इन विद द ऐप? हाउ टू लॉग इन द ऐप? आई एम नॉट एबल टू understand. एक बार दोबारा बोलो सर. हाउ टू लॉग इन द ऐप ऑफ प्रोसाइन? लॉग इन द ऐप. ओके, आई ऐड यू टू द बैच एंड देन यू ऐड योर नंबर, यू विल गेट एन ओटीपी एंड यू विल बी ऐडेड टू द बैच. आई विल डू इट टुनाइट. ओके सर. आई हैव लॉग इन द ऐप, डाउनलोडेड एंड यू हैव साइंड इन. तो आई विल सब टू मी, आई विल ऐड यू बाय इवनिंग. ठीक है? ओके सर. ऑलराइट. हिमांशु तुम्हें समझ आया ये सिंपल स्ट्रक्चर? कवीश? यस सर. यस सर. यस सर. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट इट इन अ लिटिल मोर डिटेल. सर the cytoplasm is the main part, right? No, main, everything is main. Nucleus ke bina bhi survive nahi kar sakta. Plasma. Sir, I'm saying the cell membrane is a green one, right? Yeah, cell membrane is the black one. Cytoplasm is this blue one. Oh, yeah, sir, cytoplasm. Alright, let us talk about different cell organelles, okay? And let's go into the cell. One second. Now let us go into the cell. ठीक है? हम cell के अंदर चलते हैं. Let us start with our plasma membrane. So the first part of that we are going to study is the plasma membrane. Man.
give me one. All right, let us talk about our cell membrane, or this is called plasma membrane. Plasma membrane is also known as cell membrane. Okay, it is also known as cell membrane. और plasma membrane के बारे में हमें कुछ points समझ चाहिए. तो देखो, सेल जरूरी है कि सेल के अंदर या बाहर कुछ नहीं जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता, because oxygen has to go inside the cell, the glucose has to go inside the cell, क्योंकि हर एक सेल को अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, हर एक को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो the things have to go inside the cell and outside the cell. This is the inside of the cell, this is the cytoplasm, this is the outside of the cell. अगर हमें सेल को अंदर या बाहर जाना है तो उसे किससे होते हुए गुजरना पड़ेगा, इट हैज टू पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो द मेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट्स मेन फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट टू रेगुलेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस. रेगुलेट करना मतलब उसे चेक करना कि किसको जाना है किसको नहीं जाना, वो कौन करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड करता है, उसी तरीके से सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है. तो इट इज फंक्शन इज टू रेगुलेट ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल. ठीक है, तो सेल के अंदर क्या जाएगा बाहर क्या जाएगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करती है, क्योंकि इट इज द गेट कीपर ऑफ द सेल. गेट कीपर क्या होता है, जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है किसी बैंक के बाहर या तुम्हारे स्कूल के बाहर, वो सिक्योरिटी गार्ड पहले तुम्हारा आई कार्ड देखेगा और बोलेगा कि तुम कौन हो, और अगर तुमने पहचान लिया तो उसे जाने देगा, अगर किसी अननोन बच्चे को थोड़ी अंदर जाने देगा. तो इसी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन डज नॉट अलाउ एवरीथिंग टू पास थ्रू इट, अलाउज सम थिंग्स टू पास थ्रू इट एंड इट डज नॉट अलाउ द अदर थिंग्स टू पास थ्रू इट. तो हाउ डज इट फंक्शन लाइक दिस, इसका ये जो फंक्शन है वो कैसे करता है, हाउ, तो हाउ डज इट परफॉर्म इट्स फंक्शन. तो इफ वी टॉक अबाउट हाउ, बिकॉज दिस इज अ मेम्ब्रेन व्हिच इज टर्म्ड एज अ सिलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन, इट इज अ सिलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन. It is a selectively permeable membrane. What is meant by this selectively permeable membrane? जिसको हम short में SPM बोलेंगे. It means one and the same thing जो हमने पहले भी बोला कि allows certain things to pass through it. It allows certain substances to pass through it. While restricting other substances, कुछ को जाने देता है और कुछ को रोक देता है, कुछ को बोलता है नहीं तुम्हें एंट्री ऐसे तो नहीं मिलेगी, थोड़े पैसे दो तभी मिलेगी. तो the thing is, plasma membrane का function है to regulate the transport of substances. How does it do this function? Because it is a semi-permeable membrane. What is a semi-permeable membrane? A membrane that allows certain substances to pass while restricting the entry of other substances. Okay, so while restricting other substances will be better. So agar tumhari teacher kuch hi bachcho ko acche number de aur baakiyon ko na de, to aise teacher ko kya bologe ki wo select karti hai, wo selectively wo apne bachcho ko jaane deti hai aur कुछ बच्चों को नहीं जाने देती. तो दिस इज कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन. तो इज दिस सिलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन टर्म क्लियर टू यू, यस और नो? यस सर, क्लियर. यस सर, यस सर.
opposite of this selectively permeable membrane is called a freely permeable membrane. ऐसी भी membrane है plant cell में, that is cell wall. Cell wall ऐसा नहीं है. Cell wall जो होता है, cell wall is also a wall जो plants में होती है. Plants के अंदर जो cell wall होती है वो एक सोते हुए guard की तरह है, जो gate पे बैठा तो है पर वो किसी को देख नहीं रहा. वो जिसको भी आने देने जा रहा है, जो भी आ रहा है वो आ रहा है, जो भी जा रहा है वो जा रहा है. तो cell wall on the other hand is a freely permeable membrane. Freely permeable मतलब वो freely जाने देती है लोगों को, कोई किसी को रोकती नहीं, किसी का height. हाँ बोलो. Sir, what is the meaning of permeable? Permeable means to permeate. Permeate means to get inside. So, sir, to permit. To? Sir, to permit. Permeate is the word. Permeate means to get an entry, to diffuse inside. I'll tell you. Yes, sir. So, permeation. Permeate karna means... permeable means anything that can get entry. So permeable means which जो allow करे. Permeable मतलब जो allow करे, permeate करने को, जिसके through जा सके. Permeate means anything that allows entry. अब semi means half. सेमी का मतलब होता है थोड़ा बहुत. तो टुगेदर जॉइन सेमी एंड परमीएबल मींस से थोड़ा बहुत आने जाने देता है, पूरा नहीं जाने देता. थोड़ा बहुत वो आने जाने देगा, नॉट फुल, नॉट फ्री, बट से. यस, पर व्हाट आर सम एग्जांपल्स ऑफ फुली परमीएबल? सेल वॉल. सेल वॉल अभी हम पढ़ेंगे. सेल वॉल इज अ फ्रीली परमीएबल मेम्ब्रेन. No, sir, fully permeable. Freely is the word. Fully permeable or freely permeable means the same thing, but freely word is used, and freely permeable membrane is a cell wall. Sir, which does not allow anything, what will we call that? That will be called impermeable. Okay? What are some examples of it? Impermeable membrane, there is no such impermeable membrane. Agar aise koi impermeable membrane hamari body mein hogi, तो वो हमारे को क्या करेगा, वो चीजों को आने जाने नहीं देगा, तो उसको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा. तो देयर इज नो सच इंपरमेबल मेम्ब्रेन इनसाइड आवर बॉडी, बट यू कैन हैव इट इन योर होम. फॉर एग्जांपल एन एल्युमिनियम फॉइल, एक एल्युमिनियम फॉइल से कुछ पास करके दिखाओ, वो फट जाएगा बट वो परमिएट नहीं होने देगा. मेटल वॉल, योर ब्रिक वॉल इज इंपरमेबल. कैन यू पास थ्रू योर ब्रिक वॉल? No, sir. So, no, sir. It is an impermeable membrane. Is this clear, Divij? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now talking about plasma membrane. Okay, I'll give you a high difficulty, मतलब एक थोड़ा सा high level का point बताऊंगा, और वो point ये है कि semi-permeable air membrane या फिर plasma membrane, higher classes take point. I am telling you, plasma membrane is made up of 75% phospholipid. Yes, it is made of phosphate and lipid, yani ki phospholipid bilayer. It is made up of phospholipid. ठीक है, ऐसे points जो मैं तुम बता रहा हूँ ये सिर्फ तुम्हारे क्या बोलते हैं उसे Olympiads etc. really useful hai, not for your CBSC. Plasma membrane is a phospholipid bilayer bolte hain, so, but it is a phospholipid. So is made up of phospholipid ka matlab kya hai? Matlab phospho means phosphate group. Phospho means phosphate group. Phosphate group kya hota hai? This is called phosphate, PO4-3-. This is a ion known as phosphate. Aur lipid ka matlab hota hai fat. फैट का मतलब होता है ऑयल्स. तो ये फैट यानी कि ऑयल जैसी चीजों से और फॉस्फेट से मिलकर बनी होती है. तो दिस इज अ पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट, नॉट फॉर एनसीईआरटी, नॉट फॉर सीबीएसई, दैट सर. सर, बट आवर टीचर
wrote this point in a notebook. Yes, so very good. Your teacher is very good. Yes, sir. I wanted to tell one more thing. सर एक्चुअली हमें एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस के ऊपर पूरे दो पेजेस लिखवाए हैं स्कूल वाले टीचर. ऑलराइट, आई विल आल्सो डू द सेम. मैं जो भी तुम्हारा एक्स्ट्रा क्लासेस, देखो होता ही है, सबके स्कूल्स अलग होते हैं 9th क्लास में. व्हेन आई टीच 11th एंड 12th, दे 12th एंड 11th दे मेनली फोकस ऑन एनसीईआरटी बिकॉज़ एनसीईआरटी इज द टफेस्ट बुक इन क्लास 11th एंड 12th. एंड फॉर स्टडीइंग एनसीईआरटी दे रिक्वायर हेल्प बुक्स. So, okay, but in 9th class, NCERT is not at all tough. It is very simple. So, sometimes teachers use certain books like Lakshmi Singh, etc. If you get anything out of the NCERT, you tell me, I'll make you write about it. Okay? There is no need to worry. So, mujhe bata do ki tumhe kya extra padha hai, I'll teach you extra. Okay? Okay, sir. So I'll take it up in extra class. Pragun, ek extra class rakhunga jispe main extra topic rakhunga. Theek hai? Okay, thank you, sir. Aur bhi koi topics aate hain, you can add me up. Divij, main iske aage batau plasma membrane ke aage. Isse aur extra. Yes, sir. Jaise hamari school wali teacher has told us fluid mosaic model, which was given by Singer and Nicholson. So, sir, wo wala bhi karaya hai. Theek hai, yahi pe thoda explain kar deta hu so that. कभी कभी जो पॉइंट्स हमारे आसपास आ ही रहे हैं उनको हम अभी कवर कर लेते हैं. ठीक है, सो आई विल टेल यू. लुक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट एंड लिपिड. इसके अंदर टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है हेड एंड देयर इज अ टेल. दिस हेड इज कॉल्ड अ फॉस्फेट ग्रुप. This is called head, and this tail is the lipid. जो यहाँ पर एक molecule तुम्हें दिख रहा है, this is called phospholipid. It is called phospholipid. अब ये phospholipid के structure plasma membrane के अंदर बहुत सारे होते हैं. I'll make another diagram. तुम भी ऐसे diagram बनाओगे. Look, here is the phosphate group and here is the lipid. Again, here is a phosphate and here is the lipid. Again, phosphate. Sir, this is the fluid mosaic model. Yes. And sir, we have drawn this in our notebook. You draw it. Okay, koi points to draw, mujhe bata. Phosphate, do it again. And lipid. So you can see यहाँ पे जो layer बन रही है, you tell me यहाँ पे phospholipid की एक layer बन रही है या there is two layers? Sir, two layers. So ऐसी cell membrane जो होती है, this is called a phospholipid bilayer. It is called a phospholipid bilayer structure in which there is two layers of phospholipid. Phospholipid ek hai aisa. This is one phospholipid. This is one phospholipid. Okay. And tum dekh rahe ho yahan pe ek upar phospholipid ki layer hai aur ek niche phospholipid ki layer hai. So I can actually divide this into phospholipid two layers. Or phospholipid bilayer having two layers. So cell membrane has two phospholipid layers. You tell me, ये वाला point, पहला point clear है? Yes or no? Everyone? Yes, sir. Yes, sir. Clear. Plasma membrane is called phospholipid bilayer structure. Yes, phospholipid bilayer structure. ठीक है. अब there is not only phospholipid. As Pragun said, 75% is phospholipid. What is rest 25%? Can you tell? Pragun? Yes, sir. It is proteins, cholesterol, and polysaccharides. Yes. So there are proteins, and proteins are of two types. Iske andar phospholipid ki layer ke beech mein there are two types of protein. Kuch aise protein hote hain jo iski surface pe tehre hote hain, and
लाइक दिस. ठीक है, ये जो प्रोटीन होते हैं जो सरफेस पे तैर रहे होते हैं, सच प्रोटीन्स आर कॉल्ड पेरिफेरल प्रोटीन. And there are certain other proteins that are embedded in the structure. कुछ ऐसे proteins होते हैं that is embedded inside. Glycoprotein. No. ठीक है, there are two types of protein on the basis of the structure. और structure के basis पे कि वो membranes ही काम पे attached है. There are two types of protein. One is called the peripheral protein and the other one is called the integral protein. What is the difference between peripheral and integral protein? Peripheral protein, periphery pe. Periphery means outer structure pe tear raha hai. ठीक है, and जो integral protein है वो fix है. It is fixed over here. ये यहीं पे fix रहेगा. Integral part है. Integral part मतलब वहीं पे इंटीग्रेटेड है, इट इज इंटीग्रेटेड इनसाइड. इज दिस क्लियर द टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन सर? यस सर. इज इट सिमिलर टू इंट्रासेल्युलर प्रोटीन्स एंड एक्सट्रासेल्युलर प्रोटीन्स? इंटर सर. इज इट सिमिलर टू इंट्रिंसिक प्रोटीन्स और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स? इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स आर मेनली इंटरनल एंड द आउटरनल. आउटर प्रोटीन दिस इज नाइदर internal nor outer because this is inside the plasma membrane. Sir, what is glycoprotein? Glycoprotein is a protein that is closely associated with the sugar, and the sugar part is called glyco part and the protein part is called the protein. The glycoprotein are present on this cell membrane, on the inside of the cell membrane, and you have to do nothing about it. Okay, you have to just study jitna main abhi bata. Sir, because it is in the diagram which we have drawn yes. of fluid mosaic model. Okay. The thing is, there are glycoproteins on the inside internal surfaces, or these are like branched proteins, and you can name them as glycoproteins. Glycoproteins are made up of two parts. One is the glucose or glyco part, that is the sugar part, and the other part is the protein part. Sometimes these chains are lying inside the cytoplasm. Cytoplasm ke andar rehte hain. Is this clear, Devesh? Sir, but our ma'am has marked integral protein in its bracket. It is written glycoprotein. No, integral proteins are mainly pumps. Your teacher is wrong. All right. Okay, sir. Yes. So now. Carriers and pumps are called the integral proteins that helps to carry things inside the membrane. Now, point ये आ रहा है हमारा कि ये structure में हम short में कैसे लिखेंगे? Give me 1 minute. अच्छा, वो reception पे अच्छा वो reception तो नहीं ना late होने से यहाँ से आ जाइएगा. मैं टोपी हूँ. Yes. So if I summarize the structure of plasma membrane, अभी हमने डिटेल में इसका फंक्शन नहीं किया. I'll talk about its function. If I summarize this in short, so we have to write what we have to write in our exam. So first point is that it is the outer layer
not the outer layer. It covers the cytoplasm. Of both animal and plant cell. That means ये दोनों animal और plant cell के ऊपर covering की तरह present. Secondly, this it also it function. It is a semi-permeable membrane. Secondly, you have to write that it is semi-permeable membrane. Third, it functions is to transport various substances in and out of the cell. So next function we'll talk about its function, that is the transport. Fourth point, you can tell us about that it is made up of phospholipid and protein. Okay, phospholipid ke bare mein you can say it is a bilayer structure, and protein mein you can divide it into the integral protein and peripheral protein. Now talking about एक और टर्म जो हमारी रहेगी, दैट इज द फ्लूइड मोज़ैक मॉडल. नाउ ये वाले पॉइंट्स मुझे बताओ, आर ऑल दीस पॉइंट्स क्लियर? पहले यहां तक बताओ, फिर देन आई टेक इट फॉरवर्ड. यस सर. यस सर. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज लुक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर सिंगर एंड निकोलसन साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था, एंड दिस इज द मोस्ट वाइडली. इससे पहले भी बहुत सारे स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेनेशन दी गई है, but this one is the most widely accepted theory about the structure of plasma membrane, and this is called the fluid mosaic model. Fluid mosaic model. According to this fluid mosaic model, जो हम plasma membrane है उसको हम एक ocean या समुद्र की तरह मान सकते हैं, और fluid जैसे हमारा एक ocean is fluid मतलब वो flow कर रहा है, जैसे liquid flow करता है, जैसे पानी की लहरें होती हैं, उसी तरीके से इसमें भी लहरें आती हैं, और इसके अंदर जो proteins हैं, जो in peripheral proteins हैं, these are actually floating inside the fluid, जो membrane ये fluid की तरह, मतलब proteins can rotate, it can revolve, it can move, जो peripheral proteins हैं वो घूम सकते हैं और मूव कर सकते हैं इन दिस मॉडल. तो दिस इज कॉल्ड फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, एंड यू कैन राइट अबाउट इट इन दिस मॉडल. सर, व्हाट इज द फ्लूइड इन दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इज फ्लूइड. ठीक है, इट बिहेव्स लाइक अ फ्लूइड. तो इन दिस मॉडल द फॉस्फोलिपिड bilayer is considered like an ocean or sea where peripheral proteins are floating. Okay, what is the purpose of this model? ये model क्या क्या explain करता है? Yes, बोलो क्या बोलना चाहते हो? No sir, nothing. This model explains how cell divides. It explains the endocytosis, exocytosis. That is entry inside the cell, outside the cell, cell division, and cell growth, formation of the cell membrane. ये सब चीजें हमारी ये मॉडल समझाता है कि ये पॉसिबल कैसे है. ठीक है, तो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल के बारे में इज दिस पॉइंट क्लियर? यस और नो? यस सर. ठीक है, तो अब बात आती है आगे कि देखो, जो अगर मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूं, तो जो सेल मेम्ब्रेन है
वो कुछ चीजों को अंदर जाने देती है. आई गिव यू एग्जांपल. वेट, sir, what is plasma lemmas? Plasma lemma is the same term plasma membrane के लिए use किया जाता है. Okay. अच्छा, अब the point is कि how does substances move across our cell membrane? तो अब हम we are talking about again cell membrane की बात हो रही है, but we are talking about movement across cell membrane. सेल के अंदर मूवमेंट कैसे हो? तो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट, वैसे इफ यू हैव टू राइट, अगर तुम हाई लेवल पे पढ़ना चाहो, दीज आर कॉल्ड थ्री टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर देयर. दैट वन इज कॉल्ड द पैसिव डिफ्यूजन, सेकेंड इज कॉल्ड द फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, and third is the active transport. Tell me, I've been standing. तो तीन तरह की movement होती है. Tell me, तुम्हें school में ही कराया है या should I skip? Yes sir, sir कराया है. Tell me, बताओ passive diffusion के बारे में क्या लिखा है? Sir किसके बारे में? Passive diffusion and नहीं facilitated के बारे में. So facilitated के बारे में बताया, the permease assists the molecule to diffuse through the membrane that it cannot otherwise penetrate. Proteins या permease? Sir, permease. There's no mention of carriers? No sir. Sir, an active transport के बारे में लिखवाया mainly. इसके बारे में लिखवाया. Alright. What about you, Divij? So what about? Divij, I'm asking Divij. Okay. Divij? No sir, मुझे तो नहीं कराया. ठीक है. Anyone else? Kavish, Sanchi? No sir. Alright. Look, I'll explain you in the short ways, जैसे अभी प्रोग्राम के टीचर ने भी बोला है. ठीक है. Small short ways में I'll explain this passive, facilitated and active. Passive diffusion is simple diffusion. Simple diffusion means substances can pass through membrane simply, just like diffusion. Diffusion हमने किया था ना कि it is the transfer of substances from a region to higher concentration to the lower concentration. We did this in chapter 1. तो gases जैसे कि oxygen and carbon dioxide, जो oxygen होती है वो cell के अंदर और जो carbon dioxide होती है वो cell से बाहर कैसे आती है? इट कम्स थ्रू पैसिव डिफ्यूजन. दैट मींस ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन बाहर हाई कंसेंट्रेशन में होती है और अंदर वो लो कंसेंट्रेशन में होती है. तो हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन इट पासेस थ्रू द मेम्ब्रेन. दिस इज कॉल्ड पैसिव डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन. सेकेंड इज कॉल्ड, देखो अब इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर हाई कंसेंट्रेशन में है, अंदर ज्यादा है और बाहर कम है, तो इट विल जस्ट मूव आउट ऑफ द सेल, आउट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. तो ये डिफ्यूजन कहलाता है सिंपल डिफ्यूजन, जो कंसेंट्रेशन की वजह से होती है, रिक्वायरिंग नो एनर्जी. यहाँ पे कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता. यू टेल मी, इज द पैसिव डिफ्यूजन क्लियर? यस सर. इसमें हम बोलेंगे इट्स सिंपल डिफ्यूजन.
example will give gases like CO2, O2, and we will also write it does not require energy. Next. Alright, I'll have to end the class a little early today. I'll